हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यहां पर आपको दिख रहा होगा नेम और डीओ भी दिख रहा है, दोनों ही आई होप कि आपको क्लियरली एकदम दिख रहा होगा। अब समस्या क्या है कि हम ये चाहते हैं कि आज कौन सा डेट है, तो आज के डेट के लिए क्या दिक्कत है, यहां पर हम टूडे लगा देंगे TODAY तो पता चल जाएगा कि आज कौन सी डेट है। ठीक है, तो ये टूडे लगाया, एंटर किया तो आज की डेट आ गई। आज है 3/10/2024। ठीक है, आज का डेट पता चल गया, आज यही डेट है। यहां पर आप नीचे भी देख सकते हैं 3/10/2024 ही दिया गया है, करंट डेट जो हमारी चल रही है वो यही है, यानी 3/10/2024 हमारी करंट डेट है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये इनका जन्म का दिन है, राम के जन्म का दिन ये है। ठीक है, राम किसी व्यक्ति का नाम है और उनके जन्म का दिन ये है, और उसके हिसाब से आज तक की उनकी आयु में अगर हमें ईयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितने साल के हुए, कितने ईयर के हुए, ईयर निकालना है केवल, कैसे निकालें। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाइएगा क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है। और यहाँ एक फंक्शन है डेट डिफ, यानी डेट डिफरेंस। ठीक है, और इसके बाद आपको टैब नहीं प्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर टैब प्रेस कर देंगे तो ये एरर बन जाएगा, तो आपको टैब नहीं करना है, आपको मैनुअली शिफ्ट दबा के अल्फा न्यूमेरिक की 9 प्रेस करना है। ठीक है, 9 प्रेस कर लेने के बाद क्या करना है, इस डेट को सेलेक्ट कर लेना है, अपडेट तो हो गया सेलेक्ट, अब क्या करना है कॉमा लगा देना है। और यहां पर एक और फंक्शन है जिसका नाम है टूडे, जो मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया, ये भी लगा लीजिएगा, लगा लिया, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज भी कर दीजिएगा, टूडे में और कुछ करना ही नहीं है, ब्रैकेट को ओपन और क्लोज यही तो करना है टूडे में। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ईयर देखना है, तो यहां पर डब्ल्यू कोट्स ओपन कीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा वाई, क्या लिखना है वाई लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करना। अब अगर आपने एंटर किया तो यहाँ पे एरर आएगा, क्यों एरर आएगा बताता हूं। देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें एक एरर है क्योंकि यहाँ पे डेट डिफ होता है, DIF होता है, आप DIFF लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल एफ नहीं सिंगल एफ करके और देन एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेट आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि डेट फॉर्मेट हो गया दैट्स व्हाई यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ पे जनरल रखेंगे तो यहाँ इनकी एज हो जाएगी 34 साल। ठीक है, और यहाँ से इसे ड्रैग कर लेंगे तो सबकी एज पता चल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये 2021 में पैदा हुए होते हैं तो इनकी एज कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने साल के ये होते, तो ये 21 के बाद ये 3 साल के होते, 22, 23, 24 चल ही रहा है तो 3 साल के हो जाते। तो कोई भी एज में ईयर कैलकुलेट करना हो बहुत ही आराम से कैलकुलेट करा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।